अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम ज़ैर मंसूर है। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और आर्टिस्ट हूँ। मैंने इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से अपनी तालीम हासिल की थी और आज ये मेरा वी एम आर्ट गैलरी पे शो लगा है। टू पर्सन शो है विद अलॉन्ग साइड गज़नफर इकबाल साहब फ्रॉम इस्लामाबाद। तो मेरी जो मोस्टली आर्ट प्रैक्टिस रहती है उसमें मैं कराची के डिफरेंट आर्किटेक्चुरल हेरिटेज स्पेसेस को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करता हूँ और ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इवॉल्विंग स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ कराची। सो इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में जो गैलरी में लगा है, वॉशिंग हेरिटेज इसका नाम है, और इसमें मैंने बेसिकली कोशिश ये की, एक मिक्स मीडिया प्रोजेक्ट था जिसमें फाइन आर्ट लाइनर पेन और कॉफ़ी स्टेनिंग को मिला के एक मेथड के थ्रू मैंने अपने आर्टवर्क्स क्रिएट किए। तो इसमें एसेंशली मैंने इनके सियाक व सबाक से अब इन बिल्डिंग्स को आइसोलेट किए, लेकिन साथ साथ कराची की कुछ ऐसी चीज़ें इसके अंदर छोड़ी हैं, जैसे कुंडे हो गए, तारे हो गए, खंबे, और जो लोगों का झुमघट्टा होता है मौजूद आसपास हर जगह ट्रैफिक की वजह से। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक कराची की पहचान बनाती हैं। तो ये बिल्डिंग्स को आइसोलेट करके अर्बन डिके की एक लेयर ऐड करने से एक हमें आइडेंटिटी का समझ आता है कि कराची की क्या हो सकती है, क्या पोटेंशली कराची की आइडेंटिटी क्या हो सकती है विजुअली। तो इस काम में तो मैंने ये एक्सप्लोर किया, तो देखते हैं आगे किस तरह से इवॉल्व होता है मेरा काम। थैंक यू। मेरा नाम सैयद खुर्रम बस है और हमारे यहाँ पे 3% शो लगा हुआ है जिसमें मैं वजीहा बतूल तालिया नूर का काम लगा हुआ है। काम का मतलब जो एक हमें थीम दिया गया था वो था कि आइडेंटिटी पे काम करना है हमने, जिसमें मैंने एज अ पर्सन फ्रॉम KPK, मतलब जिस तरह हमें वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की जाती है हमारे साथ, या वहाँ पे बेसिक राइट्स भी हमें नहीं मिलते,
प्लेटफॉर्म पे जो बेसिक चीज़ें हैं जो मतलब हर शहरी को अवेलेबल है लेकिन वहाँ पे नहीं है। तो मेरा जो काम है वो चीज़ पे कि मतलब हमने अगर इन चीज़ों से निकले तो हम फिर अभी जो फिलहाल है फिलहाल हमारे वो है कि हम क्राउड की तरह सोच रहे हैं कि भीड़ है तो कोई भी चीज़ मतलब तरीके से नहीं हो रही है। और अगर हम एज अ नेशन सोचे एज अ सोसाइटी सोचे तो फिर ही हम इन चीज़ों से निकल सकते हैं। और अगर ये समझें कि जो मजहब का वो है वो बंदे का हर बंदे का बहुत पर्सनल होता है